में डाल दें वैसे जीत जाएंगे हम, तो कठिन नहीं कहीं पर कोई लड़ाई लड़ाई और यह करना कोई झंझट नहीं करना है, किसी बहकावे में भी नहीं आना है और ये इसमें बहुत अकल लगाने की भी जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत क्या है कि हमारी कायदत खड़ी हो जाए, हम अपने नेक इरादों में तभी सफल हो पाएंगे कि जब हम नेक इरादे से हम अपने वोट भी करेंगे, नहीं तो सब बात तो बहुत दिखाएंगे लोग उसमें समझ। अब अखिलेश का है तो मुलायम का बेटा जो है क्यों लड़ रहा है, वो अपने मौज मस्ती के लिए लड़ रहा है, उसके आगे कोई जाने वाला नहीं है, उसकी पार्टी में कोई रहमान या जलील अहमद मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगा वो अपने मौज मस्ती के लिए केवल पार्टी चला रहा है, अपने ही मौज मस्ती करेगा वो, आपके मसले को वो सड़क में बोलेगा, जहां बोलना है संसद में विधानसभा में वो बोलता भी नहीं है, वहां पे यहां आके आपसे भाषण कर सकता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा फलाना, कई कई बार मुख्यमंत्री बन गए क्या कर दिया उसने, कोई अपने बच्चों के लिए क्या कर दिया उसने, कोई मदरसा ऐसा हाईटेक बनाया कहीं, वो तो बीजेपी का शुक्रिया कहिए कि उसने हमें बुलडोजर मारा लात मारा जूता मारा तो हम एक हो गए हैं, ये मौका उसने दिया हमको, उसने सताया तो हम एक हो गए, नहीं तो हम तो ऐसे भाग के फिर रहे थे, यहाँ चले जाते कभी वहाँ चले जाते कभी उधर चले जाते कभी उधर चले जाते थे, तो शुक्रिया बीजेपी का कहिए कि उसने हमें थोड़ा सा रगड़ा तो हमें होश आया कि हमें कुछ करना है। तो ये इसमें ऐसे लोगों की पार्टी है, ये बड़े ईमानदार लोगों की पार्टी है, इंसाफ पसंद लोगों की पार्टी है, इसीलिए इस पार्टी के पास छोटे छोटे 60 दलों का और गठबंधन है, इनका नाम भी हम गिना नहीं सकते, हमें याद नहीं है, लेकिन है गठबंधन। क्यों आए हैं लोग एक महीने में, इतने लोग हमारे पास क्यों आए हैं, सबको इंसाफ चाहिए, सबको ईमानदार लोगों के साथ रहना चाहिए, इसलिए आए हैं, और केवल इंसाफ अगर हम अपने काम में इंसाफ रख लें तो सारे मसले बड़े आसानी से हल हो जाते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, जब हम बेईमान हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम फिर बंटवारा करते हैं ऊट पटांग करे से, तो हमारे जिसको चाहिए जिसकी भागीदारी जितनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो समाज में क्या होता है, असंतोष फैलता है, लोग परेशान होते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, दिक्कत यहीं पे है। और मैंने अपने सब दोस्तों से कहा है, जहां भी मैंने भाषण दिया है, कि पहला मेरा काम होगा जीतते जीतते पहला काम होगा इस विधानसभा में एक कानूनी सहायता केंद्र, 10 वकीलों का पैनल, 10 वकीलों का उसमें समर्थन रहेगा, कानूनी सहायता केंद्र खोलेंगे। क्यों खोलेंगे, उसकी वजह है कि हमारा कोई दलित का बच्चा, हमारा कोई मुस्लिम बच्चा कहीं लड़ाई में कहीं फंस जाता है, तो गलती हो चाहे ना हो, पिटाई हमारे अल्पसंख्यक बच्चे की होगी, जेल वही जाएगा और उसका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, पहले जेल चला जाएगा 10-20 साल 5 साल 6 महीना जेल डालेगा, तब पता चला वो बेकसूर था तब वापस आएगा, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती है, तो ये जिंदगी बर्बाद अपने बच्चों का हम लोग नहीं होने देंगे। ये दर्द नहीं है, जो बैरिस्टर अवैसी साहब हैं वो कैसे खड़े हो गए, उनसे पहले भीमराव अम्बेडकर थे, खड़े कैसे हो गए, उस समय जमाना उनके खिलाफ था, एकदम खिलाफ था, खड़े हुए इसलिए खड़े हुए क्योंकि उनके पास नॉलेज था, बुद्धि थी, पढ़ते थे वो और लगातार पढ़ते थे और खड़े रहे लगातार, और आज वो हमारे लिए एक संविधान दे गए हैं, संविधान ही हमें क्या कहते हैं, सब बोलने का, यहाँ बैठने का, कुर्सी पर बैठने का, कपड़ा पहनने का अधिकार हमको संविधान से मिला है, नहीं तो ये मनुवादी हमें सड़क पर चलने का नहीं देते थे, कहते थे पीछे झाड़ू बांध लो, आगे मटका रख लो, थूक न देना कहीं, तुम्हारी हवा न लग जाए हमें कहीं, ये सब तमाम बहुत यातनाएं दिए हैं ये, आवाज कहते आरक्षण तो हम इनको देंगे, आरक्षण हमें नहीं चाहिए, आरक्षण टाइम आएगा आप लोगों ने अगर साथ दिया तो आरक्षण हम इनको देंगे, केवल 3% में रखेंगे इनको, 97% हमारे पास रहेगा, 3% से बाहर नहीं आने देंगे इनको, ऐसा आरक्षण देंगे, सही आरक्षण देंगे हम, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वोट करिए और हम लोग जीत गए हैं, एकदम जीत गए हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग उठकटवा है, उठकटवा हम लोग नहीं है, ये बसपा क्या है, सपा क्या है, भाजपा के आगे डर दिखा के वोट पाती थी, उठकटवा ये है, उठकटवा आपको नहीं है, हम लोग हमारी बड़ी पार्टी हो गई है, हमारी पार्टी में ढेर सारा गठबंधन है, तमाम लोगों का समर्थन है, और मुझे पर्सनली मेरी व्यक्तित्व पे इस विधानसभा पे आप लोगों का बहुत बड़ा प्यार हमारे ऊपर आया है, इसलिए हम जीत चुके हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है एकदम से, और इसी बातों से मैं अपनी बातों को विराम दूंगा कि आप लोग मैक्सिमम वोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए, हम आपके बच्चों के लिए
आपके भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर पाए और आपको दिखाएं भी कि आपने ऐसा वोट किया है कि जो अगर हम जीत जाते हैं एक रिकॉर्ड बनेगा, एक आदमी 20 दिन में आता है और जीत जाता है पूरे हिंदुस्तान में धनगटा विधानसभा का नाम भी हो जाएगा, बहुत बड़ा नाम होगा। तो इसलिए आप ऐसा वोट करिए। धन्यवाद।